तो देश के कई राज्यों में आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बात अगली खबर की कर रहे हैं। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। एमपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में अलर्ट जारी किया गया है। गोवा, उड़ीसा, झारखंड में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो पूरे आप कह सकते हैं कि इस वक्त उत्तर भारत में जमकर बारिश हो रही है और ऐसे में हर राज्य में झमाझम बारिश का दौर जारी। साक्षी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? बिल्कुल, देखिए मौसम की वजह से लगातार हम तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं कई दिनों से, किस तरीके से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और ट्रैफिक जाम की समस्या, खास करके दिल्ली में जब जब बारिश होती है तब तक हम देखते हैं कि किस तरीके से ट्रैफिक की वजह से जल भराव हो जाता है, लोग डूब गए हैं, कई लोगों की मौत भी हो गई है पानी में डूबने की वजह से, जो कि एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और हाल ही में राजेंद्र नगर में जिस तरीके से जो कुछ भी हुआ उसके बाद से भी सरकारों को आड़े हाथों लिया जा रहा है। अलग अलग राज्यों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जहाँ पर लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पूजा, देखिए बिल्कुल, उत्तर भारत के कई राज्यों में आज बारिश के आसार हैं। पूर्वी दक्षिण राजस्थान में बारिश का अलर्ट इस वक्त है और हमने देखा कि पूरे भारत में जहां जहां पर बारिश हुई है, इस बार बारिश अपने साथ आफत लेकर आई है। दिल्ली से लेकर चाहे आप नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की बात करते हैं, वहां पर भी हमने देखा किस तरीके से लोगों की जान जाने का सिलसिला शुरू हुआ कि थमा नहीं। आपने केरला की तस्वीर देखी वायनाड की, जहां पर आपने देखा सैकड़ों की तादाद में लोगों की जान चली गई। आपने असम की तस्वीर देखी, मणिपुर की तस्वीर देखी, दिल्ली की तस्वीर भी आपने देखी, राजस्थान की तस्वीर भी आपने देखी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, जगह जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पर बारिश आफत बनकर आई। पहले लोग गर्मी से परेशान हुए और उसके बाद में बारिश की बूंदों ने लोगों को परेशान कर दिया। दिल्ली को देखा आपने, दिल्ली डूब गई, ट्रैफिक जाम की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ा। कुल मिलाकर आज एक बार फिर से बारिश के आसार हैं, तो ऐसे में आपको मेंटली प्रिपेयर रहना होगा और खुद को सुरक्षित रखने के भी इंतजाम आपको खुद ही करने होंगे। साक्षी, बिल्कुल, और देखिए तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर तमाम टीमों को स्टैंड बाय पर रखा गया है। इस बीच गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग यानी कि आईएमडी ने अगले दो दिनों के लिए अलर्ट गुजरात में जारी किया है। इस बीच वलसाड, नवसारी समेत कई सारे जिलों में बारिश का सिलसिला यूं ही जारी रहने वाला है, जिसको लेकर टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। लोगों से एहतियाती कदम उठाने के लिए कहा गया है कि अगर जरूरी हो तभी बाहर जाएं, और अगर आप बाहर जाते हैं तो छाता और साथ साथ में रेनकोट जरूर लेकर जाएं। और ऐसे में खास करके बुजुर्गों और बच्चों का खासा ख्याल रखना जरूरी हो जाता है क्योंकि बीमारियों दस्तक भी बारिश के साथ में आती है। देखिए बिल्कुल, भारी बारिश का कहर चारों तरफ देखने को मिल रहा है, शहर शहर डूबा हुआ नजर आ रहा है। गुजरात में भी बारिश का दौर लगातार जारी है और सैलाब का शोर देखने को मिल रहा है। सूरत में सड़कें समंदर बनती हुई नजर आई, लोगों का घरों से निकलना दुभर हो गया। सूरत में भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति भी देखने को मिली। कुल मिलाकर देखा जाए तो बारिश इस वक्त बेहिसाब हो रही है, शहर शहर सैलाब में तब्दील हो चुके हैं। नासिक में गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ा, गोदावरी खतरे के निशान से ऊपर इस वक्त बह रही है। और नासिक की बात करते हैं, भारी बारिश के कारण गोदावरी नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर इस वक्त बह रहा है। तो नदियां उफान पर हैं और लोगों की परेशानियां एक बार फिर से बढ़ सकती हैं क्योंकि भारी बारिश अपने साथ में आफत लेकर आई है। और लोगों से इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि देखिए जल भराव के कारण से कई दफा लोगों की गाड़ियां डूबती हुई नजर आई, कई बार खुद लोग डूबते हुए नजर आए, कई जगहों पर भूस्खलन देखने को मिला। जैसे पहाड़ी राज्यों की बात करते हैं वहां पर भूस्खलन देखने को मिला। इसके अलावा आपने वायनाड का, जैसे मैंने जिक्र किया, वायनाड की तस्वीर आपने देखी जहां पर लोगों के लिए कैसे आफत बनकर ये बारिश आई। लोग अपने आशियानों को छोड़कर वहां से अपनी जान बचाकर भागे, अब उन्हें जिंदगी में भी कभी वो घर वापस नहीं मिलेंगे, उनको दोबारा से बसाया जाएगा, इस तरह की तमाम स्थितियां देखने को मिली। ऐसे में लोगों से ये बार बार अपील की जा रही, बिजली गिरने के कारण आपने देखा कई लोगों की जान चली गई, तो ऐसे में काफी सारी परेशानियां हो जाती है। इसलिए लोगों से कहा जाता है कि अगर जरूरी नहीं है तो बाहर वो ना निकले। यानी कि देखिए, जो बारिश कई जगहों पर कई इलाकों में बारिश अगर हुई तो गर्मी से लोगों को राहत मिली, लेकिन कई जगहों पर बारिश जो है मुसीबत बनकर बरसी है। देखिए, आसमानी आफत और कई इलाकों में संकट, वलसाड की यहाँ पर बात कर रहे हैं, जहाँ वलसाड में औरंगा नदी में एक शख्स फंस गया, एनडीआरएफ की टीम ने बचाया। दरअसल गुजरात के वलसाड के खंचन पालिया इलाके में औरंगा नदी में फंसे एक व्यक्ति को एनडीआरएफ की टीम ने बचाया। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और भारी बारिश की वजह से नदियों में जलस्तर बढ़ने के साथ वेव काफ़ी ज़्यादा है और ऐसे में लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी कई तस्वीर आप देश भर के अलग अलग जगहों से देख रहे हैं कि किस तरह से भारी बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है, लोग फंस जाते हैं। यहाँ पर देखिए, नदी का जलस्तर बढ़ा और एक पेड़ जिसमें बुजुर्ग वहाँ पर फंस गए, उसके बाद एनडीआरएफ की टीम वहाँ पर पहुँचती है और फिर उस शख्स का रेस्क्यू कर उसे वहाँ से बचाया गया। तो लगातार आप देख रहे हैं अलग अलग जगहों पर किस तरह से
भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है और बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है। उमस भरी गर्मी से दूसरी तरफ लोगों को राहत भी मिल रही है। वलसाड में औरंगा नदी में एक शख्स फंस गया।